नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। और आज हम जा रहे हैं लंच में बनाने सोयाबीन की सब्जी, और ये खाने बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने कुछ तैयारी पहले से कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, सोयाबीन को हमने गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट बढ़िया से हमने देखिए भिगो दिया था। तो बढ़िया से देखिए ये फूल गया अच्छे से सोयाबीन। अब इसको हम पानी इसका जो कि निचोड़ के निकाल देंगे। तो पहले सोयाबीन को एक बार हम ठंडे पानी से धो लेते हैं। तो भी गुनगुना पानी इसमें जो कि लगा हुआ है, तो देखिए बढ़िया से इसको हम पानी को जो निकाल लेते हैं। अब सोयाबीन को देखिए बढ़िया से इसको हम निचोड़ लेते हैं। तो सोयाबीन देखिए हमारा बढ़िया से जो कि फूल गया अच्छे से। इसको देखिए इसका पानी निचोड़ के हम निकाल लेंगे और सोयाबीन को अलग रख देते हैं। इधर मैंने सोयाबीन का जो कि पानी हटा दिया, इससे इसको निचोड़ लिया है। यहाँ पे देखिए, तो आधा कलछुल देखिए पैन में हमने तेल डाल दिया है। यहाँ पे रिफाइंड तेल मैंने डाला है, अच्छे से ये गर्म हो गया है। इसमें जो सोयाबीन है इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो सभी को एक साथ डाल लेते हैं। इसे तलने से क्या होगा, सोयाबीन का जो कच्चापन होगा वो निकल जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। तो हम चला के धनिया का लाल करके फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा सोयाबीन फ्राई होता है, इधर तलते हैं, तब तक चलते हैं। देखिए प्याज लिए हैं, प्याज को हम काट लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। और साथ में हमने हरा मिर्चा भी बहुत सारा लिया है, तो हिसाब से अपना तड़का लगाने के लिए हम हरा मिर्चा भी काट लेंगे। तो सोयाबीन को यहाँ पे देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कच्चापन जो है कि हट गया है। देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन दिखने लगा है सोयाबीन में। इसको पैन को नीचे उतार दे रहे हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं सोयाबीन को। सोयाबीन यहाँ पे ठंडा हो गया। देखिए बड़े बर्तन में इसको हम निकाल ले रहे हैं। अब इसी पैन को हम फिर चला देते हैं चूल्हे पे और थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालेंगे प्याज को फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है रिफाइंड तेल। और यहाँ पे देखिए प्याज को हमने धुल लिया है। तो प्याज को इस तरीके से लंबे में थोड़ा काट लेंगे पतला पतला। तो प्याज को फ्राई करने के बाद इसका हम प्याज का पेस्ट बनाएंगे। प्याज को यहाँ पे देखिए मैंने काट लिया और तेल भी मैंने डाला था गरम हो गया है। तो प्याज भी इसमें डालते हैं और प्याज को अच्छे से लाल करके फ्राई करेंगे हम तेल में। इधर मैंने देखिए प्याज को बढ़िया सा फ्राई कर लिया है। कच्चापन जो है देखिए सारा निकल गया है। इसको पैन को हम नीचे उतार लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा हुआ तो इसको मिक्सर में हम पीसेंगे प्याज को। इधर देखिए जो हमारा सोयाबीन था ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया। इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे हम। सबसे पहले मिलाएंगे हम नमक इसमें स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया है। तो बढ़िया सा नमक हम डाल दे रहे हैं। 1.5 चम्मच हम नमक डाल दिए हैं यहाँ पर अच्छे से। उसके बाद डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। इसको देखिए भर के बढ़िया से डाल दे रहे हैं। आप तीखे के अनुसार अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। और इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम 2 चम्मच बढ़िया से डाल देंगे इसमें, जो अच्छे से मसाले जो है सोयाबीन में जनाई दे। और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर कलर के लिए। इधर मैंने देखिए 1/2 कटोरी दही लिया। इसको बढ़िया से हमने फेंट लिया है, जो ढोके ढोके दही में ना रहे उसको डाल देंगे। अब बढ़िया से देखिए हम मिला लेंगे हाथों से। जो सारे मसाले हैं, दही है, सोयाबीन के अंदर तक बढ़िया से चला जाए। दही जो मैंने यहाँ पे डाला था ज़्यादा खट्टा नहीं था, नॉर्मल जो दही होता है वैसा ही था। यहाँ पे सोयाबीन की सब्जी में ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करें। देखिए बढ़िया से हमने मिला दिया। अब इसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जो हमने सारे मसाले दही मिलाए सोयाबीन के अंदर तक बढ़िया चला जाए। यहाँ पे देखिए जो मेरा प्याज था ठंडा हो गया है। इसके मिक्सी जार में डालेंगे और इसका हम पीस कर पेस्ट बनाएंगे। तो इसको डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी बनेगी ना सोयाबीन की सब्जी का बहुत बढ़िया बनता है। इसको मैंने डाल दिया। इसको हम पीस के ले आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है ग्रेवी बनाने के लिए सब्जी का। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में हम सब्जी को बनाएंगे। तो सरसों का जो तेल था देखिए बढ़िया सा गर्म हो गया। तो इसमें तेज पत्ता डाल दिया मैंने। और इधर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, काली मिर्च, लौंग, जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो इसको भी डाल देंगे इसमें। इससे जो है बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा खड़े मसालों का। और यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, इसको डाल देंगे। और इसके साथ में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट का मैं तड़का लगा रही हूँ। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट को आप सोयाबीन में मिलाकर बढ़िया से इसको छोड़ सकते हैं, उसमें भी इसका फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे मैं तड़का लगा दिया है मैंने। इसको चला देंगे बढ़िया सा। अदरक में जो पेस्ट है इसको बढ़िया से हमने भून लिया है। यहाँ पे देखिए प्याज को जो मैंने पीसा था देखिए इसका पेस्ट मैंने बना लिया है। इसको कढ़ाई में डाल देंगे।
डालकर इसको भी डाल देते हैं। तो बहुत सारे देखिए इसमें प्याज लगा हुआ है, तो इसको धुल के बढ़िया से डाल देंगे। इसको चलाकर थोड़ा देते हैं, इसको भून लेते हैं। ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, प्याज जो हमने पहले भुना ही था, फ्राई किया ही था, ज़्यादा इसको भूनने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा जो पानी मैंने कच्चा डाला है उसी को पकाना है। इधर जो मेरा प्याज का पेस्ट था देखिए बढ़िया से हमने इसको पका लिया है। और इधर जो सोयाबीन में सारी चीज़ें डालकर मसाला डालकर दही लगा छोड़ा था, 15 से 20 मिनट हो गया है, अब इसको इसी में डाल देंगे। आज को थोड़ा धीमा ही रखेंगे, इसको चला देते हैं। चलाते चलाते इसको हमें भूनना है, बढ़िया से पकाना है, जबकि हमारा कढ़ाई में से तेल न ऊपर दिखने लगे। तो धीमी आंच पर देखिए हमारा जो कि ग्रेवी भी पकी रहा है, तो उसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। और यहाँ पे लिया मैंने कसूरी मेथी, इसको डालेंगे थोड़ा सा मसल के, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बढ़िया से हाथों से क्रश कर देते हैं और इसको भी डाल देंगे, इसको चला देते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारा कितना बढ़िया हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। तो इधर देखिए सोयाबीन की सब्ज़ी को हमने काफ़ी देर तक देखिए बढ़िया सा पका लिया, उसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हुई है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी भी ज़्यादा थोड़ा सा उसी स्टेज पे जहाँ पे मैंने इसको डाला पकाया, पर इसमें पानी आप डालकर थोड़ा सा ऐड कर दें तो ज़्यादा ही ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी इसको नहीं डाला है, उसी मसालों के साथ ही देखिए इसको बढ़िया सा पका लिया। और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, मसालों से कितना लटपट बना हुआ है सोयाबीन की ये सब्ज़ी जो है। उसमें डालेंगे आखिरी में ताजे धनिया पत्ती को डाल लेते हैं, बारीक कटा हुआ। धनिया की पत्तियों को डालने वाले देखिए इसको चढ़ा दे रहे हैं, और इसे एक बर्तन में हम खाली कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया एकदम चटकता है, एकदम सब्जी बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि तेल भी कितना ऊपर दिखने लगा है। तो धीमी आंच पर काफ़ी देर तक पकाएंगे तो अच्छे से दही और जो मसाले हैं सारे पक जाएंगे और बढ़िया सा तेल छोड़ लेगा, ऊपर दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि सब्जी बढ़िया सा आपका पक चुका है। और इसको एक बर्तन में देखिए हम निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो सब्जी जो कि हमारी थोड़ी काली पड़ जाएगी नहीं निकालेंगे। तो ये देखिए सोयाबीन की देखिए सब्जी एकदम टेस्टी वाली, और एकदम देखिए मुंह में देखते ही पानी आ जा रहा है, बनकर रेडी हो गया है। इसमें जो मैंने खड़े मसाले डाले हैं उनका जो सुगंध होता है स्वाद का बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो सोयाबीन की देखिए एकदम डिलीशियस वाली रेसिपी बनकर रेडी हो गया, और ये दोपहर के समय मैंने बनाया है, इसको हम रोटी के साथ चावल के साथ खाएंगे। और देखिए एकदम ग्रेवी से एकदम लटपट है सोयाबीन की सब्जी। और एक बार अगर मेरे तरीके से ये सोयाबीन की सब्जी इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बार बार ऐसे ही मन करेगा बनाकर खाने का सोयाबीन की सब्जी को। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है, और अपना कमेंट देते रहिए कि आप लोग को कौन कौन सी रेसिपी बनाकर हम शेयर करें। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।